से ओपन करेंगे और जैसे इसको बोलेंगे खुल जा सिम सिम, तो ये खुल जाता। ये देख रहे हो बाद, और ये देखो ब्रूम, तो ये इतना क्यूट है। ये देखो भाई कैसे चल रहा है, अब इसकी टक्कर होने वाली है तो ऑटोमेटिक राइट में हो जाएगा। मैन के ऊपर तक छू गई थी। ओ यार ये तो हवाई शहर पे निकल चुका है। तो हेलो फ्रेंड्स, एक बार जो आप लोग दोबारा से बहुत बहुत वेलकम है आज के इस लेटेस्ट और काफी ज्यादा ताबड़तोड़ अल्टीमेट कलेक्शन ऑफ टॉयज में, जिसमें होने वाला 144 पीस का आर्ट किट सेट यूनिकॉर्न का, साथ में एक आरसी ट्रक से लेकर के बीटीएस वालों की जम्बो ज्योमेट्री बॉक्स और आरसी स्मोक कार फॉर्मूला 1 वाली, इसके अंदर लिटरली धुआं निकलता है, और एक स्टंट फिश के साथ साथ एक डांसिंग शार्क, और भाई साहब स्पेस गन से लेकर के एक पेच कस्ता होने वाला और आरसी हेलीकॉप्टर भी होने वाला, तो आज काफी ज्यादा मजा आने वाला। उसी के साथ भाई इस पर नजर बना के रखना, ये जो कार लॉन्चर सेट है इसमें एक बटन दबाते गाड़ी रॉकेट की तरह भागने वाली है, और आज ही जो है ना एंड में नहीं बल्कि बीच में ही शाउट आउट दे दिया जाएगा उन 15 लोगों को जिनको मिलने वाला है दो सरप्राइजिंग गिव अवे। सबसे पहला होने वाला है ये एक स्ट्रीम ड्रिफ्ट कार, जिसको आरसी ड्रिफ्ट कार बोलते हैं और आरसी स्टंट कार बोलते हैं, और दूसरी मिलने वाली है यूनिकॉर्न की तरफ से आने वाली जंबो ज्योमेट्री बॉक्स, और इसमें से भाई एक को नहीं दो को नहीं बल्कि 3 लोगों को मिलेगी, क्योंकि किसी एक का जो है आज बर्थडे भी है। तो इसलिए आज सबसे पहले हम शुरू करने वाले हमारी बबल मशीन गन से। ये भाई पिछली वाली नहीं है, पिछली बार हमने आपको दिखाया था 16 होल वाली बबल गन, ये 32 होल्स के साथ आती है, जिसके अंदर आपको मल्टी कलर्स देखने के लिए मिलते हैं, इसके अंदर बैटरीज लगती हैं, उसी के साथ इसके बॉक्स में एक इस तरीके से ट्रे मिलती है, और मिलता है हमें बबल सॉल्यूशन यानी कि बबल वाटर, जिसके साथ हम जो है इस गन के अंदर भाई बबल बना सकते हैं और बुलबुले निकालने के बाद घर के अंदर बड़े आराम से दोस्तों को बुला के पार्टी वगैरह कर सकते हैं। तो एक तो सबसे अच्छी चीज जो है भाई, मेरे को इसका जो कलर कॉम्बिनेशन है वो काफी ज्यादा यूनिक लगता है, जैसा आप देख सकते हैं एंड व्हाइट कलर का, तो इतना प्यारा लगता है ना मैं क्या ही बताऊं। और ये जो है ना भाई एक बजुका की तरह लगती है, ये देखो दु 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 दु, तो ये काफी ज्यादा तगड़ी लगती है। तो भाई सबसे पहले जो है इसके अंदर बैटरी डालने वाले, लेकिन अगर अभी तक आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल के सब्सक्राइब, बाजू में दिखाई बेल आइकन दबाता है, आने वाले जितनी भी हमारे लेटेस्ट वीडियो है आप लोग सबसे पहले देख पाए। तो भाई देर किस बात की, फटाफट वीडियो को लाइक कीजिए। तो ये आ गया हमारे हाथ में 4 AA वाली बैटरी। अब आप सोचो कि इसके अंदर ना जगह तो 2 की है, मेरे को पता कमेंट आया था कि सर हमारी जो आपने बबल मशीन गन भेजी थी गिव अवे में वो हमारी चली नहीं, क्योंकि ना उन लोगों को ये पता ही नहीं था कि ये 2 जगह नहीं है, इसके अंदर 2 और भी हैं। तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि इसके अंदर कैसे डलता है, तो जब अगर इस बार आपको एक गिव अवे होगा तो आप आराम से इसको अपने घर पे यूज कर सकोगे, क्योंकि इस बार मैं आपके आगे ही इसके अंदर बैटरी डाल रहा हूँ। देखो 2 बैटरी यहाँ पे लगी है, ठीक है, और 2 ही बैटरी हम लगाने वाले अपनी इस जगह पे कुछ इस तरीके से, तो ये तीसरी और ये चौथी, तो अब आप देख सकते हो 4 लग गई, तो इसको हम लॉक कर देंगे, ये देखो। और अब जैसे हम इसको दबाएंगे, ओ माय गॉड भाई इतनी तेज किसका फैन चल रहा है ना, इसकी आवाज जो है वो यहाँ से निकल रही है, यहाँ पर से इसका जो है हमें फैन का साउंड सुनाई देता है, और आगे यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा फैन लगा हुआ है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो भाई 1 2 3 4 5 यानी कि 5 पंखुड़ियों वाला इसके अंदर फैन लगा रखा, जो काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। भाई इसकी ना आवाज के साथ साथ पता है एक कमाल की बात क्या है कि भाई इसकी ना इतनी तेज आती है हवा कि मेरे हेयर्स तक उड़ रहे हैं, मेरे गालों में भी हवा आ रही है। तो भाई काफी ज्यादा मजा आएगा, और सचमुच में बहुत ज्यादा तगड़े वाले इसमें से बबल निकलने वाले हैं। तो भाई इसका जो है ना हम सस्ता डेमो नहीं देखने वाले, इसका देखेंगे एक लाइव डेमो, तो आ जाओ मेरे साथ लाइव। ऑटोमेटिक बबल गन हमारी आ चुकी है, और ये बजूका जो है काफी ज्यादा पावरफुल है। इसी के बॉक्स के अंदर हमें एक ट्रे मिलती है, और ये लिक्विड सोप मिलता है, जिससे कि हम झाग बनाने वाले हैं इस तरीके से इसको लगाने के बाद। और ये देखो ब्रूम भाई, इतने तगड़े तगड़े इसमें झाग बनते हैं ना, और इसको अगर बुलबुले को पास से देखोगे तो इसके अंदर इंद्रधनुष जैसे जो है ना रेनबो वाले 7 कलर्स आपको दिखते हैं, और इसके साथ हम पता बड़ा झाग भी बना सकते हैं। ये देखो अभी मैं ना आपको एक बिग बबल बना के दिखाने वाला हूं, ये देखो कितना बड़ा झाग बनाया था भाई बुलबुलों की ऐसा लग रहा है कि बारिश हो गई, और सचमुच में बहुत ही ज्यादा पार्टी होने वाली है। और भाई आज तो नहाने से पहले ऐसे ही बुलबुले बनाने वाला हूं मैं, ताकि काफी ज्यादा मजा आ जाए। ओ माय गॉड भाई कितना बड़ा बबल बनेगा, ओ भाई साहब ये तो बहुत ही ज्यादा बवाल हो गया सचमुच में भाई, ये बहुत ज्यादा तगड़ा और मेरे को तो बहुत बढ़िया लगा। अबे खत्म हो जा भाई, बहुत बढ़िया था यार ये। ओ माय गॉड भाई इसके लिए ना एक चीज बोलनी पड़ेगी, सो ब्यूटीफुल सो एलिगेंट जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। ये वाली जो बबल मशीन गन है ये एक बजूका गन है, और ये साइज में देखो कितनी ज्यादा बड़ी है कि आपके हाथ पे यहाँ तक आती है, यानी इतनी बड़ी भाई साहब बबल मशीन गन जो कि आपके पूरे घर में पार्टी कर सकती है। अपने दोस्तों को बुला के उन्हें पार्टी देना कि भाई मोटू पतलू आ जाओ फटाफट से, जो हम बुलबुले वाली पार्टी करने वाले हैं, और ये आपके पूरे कमरे को भर सकती है, इसके अंदर इतने सारे बबल्स निकलते हैं और बड़े वाले साइज के भी निकलते हैं। तो मेरे को तो काफी ज्यादा तगड़ी लगी और ये यूनिक भी लगी। और भाई सबसे अच्छी चीज क्या है कि इसको ना आपको टूटने की भी झंझट नहीं है, ना ही आपकी गंदी होने वाली, क्योंकि इसके बॉक्स में बहुत सारा स्पेस है, तो आप वापस से इसको यूज करने के बाद उसी में रख देना। तो अगर आप लोगों को ये बबल मशीन गन काफी ज्यादा अच्छी लगी हो तो आपको लिखना अपना नाम, उसके आगे वॉल लिख देना, और उसके आगे आपको लिखना बबल मशीन गन, ताकि ये वाली बबल मशीन गन आपको
गिव अवे हो सके। तो इसको रखते हैं इसकी जगह पर, इसके बाद हम देखने वाले हैं हमारा एक आरसी डंपर यानी कि ट्रक। लेकिन उससे पहले जो है मेरी नजर पड़ चुकी है हमारी डांसिंग सील पे, यानी कि ये वाली डांसिंग फिश जो कि आपको 360 डिग्री ना घूम घूम के स्टंट करके भी दिखाएगी। प्लस में ये अपने सिर पे ये वाली बॉल लगा के ना भाई 3D नहीं बल्कि 5D लाइट फेंकने वाली है, क्योंकि इसके अंदर 5D LED लाइट्स लगी हुई है। और प्लस में जो हनीकॉम वाले जो डिजाइन है ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो ये हनीकॉम डिजाइन बोलते हैं इसको, जो भाई मधुमक्खी का छत्ता होता है वो हनीकॉम डिजाइन में होता है इस तरीके से ही। जो इसके अंदर जो LED लाइट लगी हुई है वो होती 3D है, लेकिन इस वाले हनीकॉम की वजह से वो 5D लाइट फेंकती है। और इसके अंदर म्यूजिक भी काफी तगड़ा चलता है। और ये जो है भाई ये एक चार्जिंग वाला कनेक्टर है इसका, जिसको जो है ना हमें इस वाली सील फिश के अंदर लगाना होता है इसकी नोज के पास। ये देखो इस तरीके से लगा दी, और इसके बाद ना जब तक आपको आवाज ना आए, ओह माय गॉड बहुत ही ज्यादा प्यारी नॉइज है। तो अब ये जो है भाई लॉक हो गए, 3 से 4 बार इस तरीके की आवाज आएगी, तो समझ लेना ये अच्छे से लॉक हो गई। अब इसके बाद बारी आने वाली है इसके लाइव डेमो की, और आप देखना भाई जब ये लाइट में चलाएंगे ना तब तो खूबसूरत लगता ही है, लेकिन जैसी रूम की लाइट्स ऑफ करते हैं तो ये सोने पे सुहागा लगने लगती है। लेकिन उससे पहले इसके अंदर हमारी डलेंगी 2 नहीं बल्कि 3 AAA बैटरी, 1, 2 और ये 3। उसके बाद लॉक करने के बाद यहाँ पर ये ऑन ऑफ का बटन देखा, जो जैसे इसको दबाएंगे तो ये सुनो इसमें म्यूजिक भी आता है, लेकिन म्यूजिक जो है ना भाई ये बसता है इस तरफ में, और भाई ये जो है ना अपने इस फिंग के दम पे करने वाली है स्टंट। तो आ जाओ मेरे साथ लाइव डेमो पे। तो ये आ चुके हैं भाई साहब हमारी डांसिंग फिश, और ये दिखने में काफी ज्यादा सुंदर है। और भाई ये देख रहे हो ये डिस्को वाली बॉल के साथ 360 डिग्री स्पिन कर रही है, मतलब गोल गोल घूम रही है भाई, टुकुट 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 करके चल रही है, इतनी क्यूट लग रही है, मैं आपको क्या ही बताऊं यार। ये सोच रहा हूं कि दिन में इसकी लाइट्स इतनी ज्यादा डायनेमिक रेंज में निकल रही हैं, अगर हम अपने कमरे की सारी लाइट्स ऑफ कर दें तो भाई क्या ही धमाल दिखाएगी। तो भाई एक बार करते हैं लाइट्स ऑफ। ओ भाई साहब कतई गजब यार, कितनी बवाल लग रही है यार ये चीज बहुत ही ज्यादा पार्टी करने का मन कर रहा है भाई, अपने फ्रेंड्स को घर पे बुलाओ, समोसे और मोमोज मंगाओ और भाई खूब इंजॉय करो। वाकई में यार इसकी जो 3D लाइट्स है वो किसी डिस्को लाइट से कम नहीं लग रही, और इसकी लाइट्स की रोशनी भी काफी दूर तक जा रही है। तो वाकई में यार ये जो डांसिंग फिश है हमारी सील फिश काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग निकली, और इसको देख के भाई मैं एक ही चीज कहूंगा, लुकिंग लाइक अ वाओ, सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट। ओए भाई रुक जा, अरे रुक जा यार ये देखो ये चले जा रही है, इसके दम पे जो है ना ये बहुत अच्छे से चलती है भाई। अरे रुक जा भाई साहब यार इसने हद कर दी। तो ये करती है ना जब ये नीचे की तरफ आ जाती है तो ये अपने पैरों को रोक लेती है और इसके दम पे टोटल घूमती है भाई, और 360 डिग्री में घूम घूम के ना ये आपको स्टंट करके दिखाती है 360 वाले। और उसके बाद ये इसके ऊपर इस तरीके से चलती है तो बहुत तगड़ी वाली नॉइज आती है, और ऐसा लगता है कि अपने ऊपर इसने एक बॉल रख रखी है जिसको घुमाती है, और अंधेरे में भाई ये ना 4 चांद लगाए थे, क्योंकि आपका ना डांस करने का मन कर जाएगा, ये डिस्को बना देती है पूरे आपको रूम को। तो मेरे को ये वाली डांसिंग फिश काफी ज्यादा अच्छी लगी। और आज हमारे पास एक डांसिंग शार्क भी है जो ब्लू वाली है, उसका भी बहुत अच्छे फंक्शन होने वाले हैं, लेकिन इसकी जो बात है भाई वो काफी ज्यादा अलग है, क्योंकि इसका एक फंक्शन जो है वो लाइट वाला, वो इसको सोने पे सुहागा बनाया था। तो अगर आप लोगों को भी ये डांसिंग फिश पसंद आई हो तो आपको लिखना अपना नाम, उसके आगे वाओ लिख देना, और उसके आगे आपको लिखना डांसिंग रेड फिश लिखना, ताकि ये वाली जो है आपको गिव अवे हो सके। तो इसको रख देते हैं इसकी जगह पे। तो ये ले लिया हमने आज के हमारे पेन और पेंसिल वाले कलेक्शन। तो आप सोचो कि इसमें से पेंसिल कौन सी और पेन कौन सा, तो मैं आपको बताने वाला हूं कि आप जो सोच रहे हो ये आप सोच तो सही रहे हो, लेकिन आप बिल्कुल ही गलत हो। ये एक नॉर्मल पेन नहीं है भाई, ये है इलेक्ट्रिक पेन। इलेक्ट्रिक पेन इसलिए क्योंकि ये प्रैंक टॉय है, और इससे जो है ना भाई किसी को करंट लग सकता है जब इसको दबाते हैं तो। लेकिन इसको मैं नहीं दबाने वाला, पर मैं आपको इसकी वाइब्रेशन सुना देता हूं। ओ भाई साहब आपने सुना, मतलब इतनी तगड़ी इसकी वाइब्रेशन है ना, अगर किसी ने यहाँ पर एकदम अपने हाथ से दबा दिया ना इसको पूरा, तो भाई बहुत तेज की झटका लगता है। लेकिन आप इसको ट्राई मत करना, ये सिर्फ एक प्रैंक टॉय है। और ये वाली जो है भाई ये है हमारी एक मेज वाली पेंसिल, मेज मतलब भूल भुलैया वाली, आपने बचपन में अपनी ज्योमेट्री के अंदर भी खेली होगी ये वाली गेम। अगर भाई आप में से किसी को भी ये लगता है ना कि आप ये दोनों के दोनों स्टील वाले कंचे मेटल के ये बीच वाले सर्कल में लेके आ सकते हो, तो भाई आपको चैलेंज एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आपको लिखना पड़ेगा अपना नाम, उसके आगे आपको लिखना है ब्लू पेंसिल और चैलेंज एक्सेप्टेड, अपना नाम ब्लू पेंसिल चैलेंज एक्सेप्टेड लिख देना, ताकि ये वाली पेंसिल मैं आपको गिव अवे कर सकूं। और भाई इस वाली पेंसिल को बोलते हैं इनफाइनाइट पेंसिल, क्योंकि ये कभी खत्म नहीं होती। जैसी अगर ये एक निब खत्म हो जाए तो इसको नीचे से निकालो और इसको यहां से जो है ना भाई डाल के पुश कर देना। जैसे आप पुश करोगे तो जो नीचे वाली निब है वो देखो ऑटोमेटिक बड़ी हो जाती है, तो इसलिए ना खत्म नहीं हो पाते। इस तरीके से ना भाई इसके अंदर भाई 13 पेंसिल्स दी गई होती है जो छोटी छोटी होती है, और प्रॉपर इसके ऊपर ये देखो लंदन वाली जो है ना पूरा एक थीम बना रखा है, लंदन का टावर बना रखा है जो क्लॉक वाला जो टावर होता है, और ये पीछे से भी आप इसको ऐसे ऐसे करके भी खेल सकते।
सकते हो और पीछे एक लंदन बस बना रखे डबल डेकर जो ज्यादातर आपने महाराष्ट्र में भी देखी होंगी चलती हुई, तो इसको आप ऐसे ऐसे भी खेल सकते हो। तो ये देख आपने एक इलेक्ट्रिक पेन, ये देखिए आपने एक लंदन पेंसिल मेज वाली जिसके अंदर भूल भुलैया वाली गेम है, और तीसरा जो है ये अपने आप में बहुत अच्छा होने वाला है क्योंकि ये आता है ड्रीम स्पेस की तरफ से जिसमें एस्ट्रोनॉट हमारा उड़ के भाई स्पेस में घूमने के लिए जा रहा है और ये देखो झंडा भी गाड़ के आने वाला है। लेकिन ये कोई आम पेन नहीं है, इसके साथ मिलती है आपको एक आर्ट एंड क्राफ्ट वाली सीजर जिससे आप रियल में कोई पेपर भी एक्चुअल में कट कर सकते हो। और इसकी सबसे अच्छी बात क्या है कि इससे ना हाथ नहीं कटता, तो ये बहुत अच्छी चीज है कि आप अगर कभी अपनी ड्राइंग बना रहे हो, कोई प्रोजेक्ट्स बना रहे हो, तो इससे आप कागज वागज कट कर सकते हो, कोई भी आप अपना आर्ट बना सकते हो, लेकिन इससे आपको कोई भी डैमेज नहीं होगा। और इसको रखने के लिए ना आपको ज्योमेट्री में कोई जगह चाहिए, ना आपको अपने बैग में, ना अपनी आपको इसको पॉकेट में रखना, क्योंकि इसके साथ आपको एक अटैचमेंट होल्डर मिलता है जिसमें आप इस सीजर को रख सकते हो इस तरीके से। और इसके नीचे आपको देखने के लिए मिलता है एक जेल पेन, और इस रबड़ को हटा के आप इसके जेल पेन को यूज कर सकते हो। ये देखो जैसे कि मैंने यहां चला के दिखाया, तो इसकी इंक भी काफी ज्यादा अच्छी है कि आप इसकी राइटिंग से बहुत मजे ले सकते हो। अगर आपको ये भी पसंद आया तो आपको लिखना अपना नाम, उसके आगे वॉलिक देना, उसके आगे आपको लिखना ड्रीम स्पेस सीजर पेन या फिर सीजर पेन, ताकि ये दोनों की दोनों तीनों की तीनों चीज आपको गिव अवे हो सके। तो इनको रख देते हैं इनकी जगह पे। तो भाई साहब अब बारी आने वाली है आरसी हेलीकॉप्टर की जिसके अंदर एलईडी लाइट भी लगी है ताकि आप रात में भी इसको उड़ा सको। साथ ही में ये इंफ्रारेड कंट्रोल के साथ आता है, और इसको उड़ाने के बाद वापस से इसके अंदर रखे आप कहीं भी इसको आराम से पार्क में लेके जा सकते हो, और उड़ाने के बाद घर पे लाके इसको आराम से रख भी सकते हो। और ये जो भाई वेलोसिटी की तरफ से आता है जो प्रॉपर अलॉय मॉडल है, यानी कि ये कोई आम हेलीकॉप्टर नहीं है, ये वाला जो हेलीकॉप्टर है ये भाई साहब मेटल का हेलीकॉप्टर, ये आप देख सकते हो यहां से अलॉय की बॉडी है पूरी। और ये जो व्हाइट टिप देख रहे हो आप प्रॉपर, ये स्टेनलेस स्टील की बनी हुई है मेटल की, और ये जो प्रोपेलर है जिसको हम पंखुड़ी कहते हैं ये प्लास्टिक की है ताकि ये हवा को काट सके। और ऊपर भी भाई इन्होंने चार बड़ी बड़ी प्रोपेलर दे रखी है प्लास्टिक वाली, लेकिन इसके ऊपर इन्होंने वार्निंग लिख रखी है कि भाई इससे जो अपना हाथ दूर रखना, नहीं तो आपके हाथ को ये कट कर सकती है यानी काट सकती है बड़े आराम से। तो ये जो बीच में ये मेटल की टिप है ताकि अगर ये कहीं टकराता तो ये टूटे ना, और नीचे इसके एक एलईडी टॉर्च मिल जाती है ताकि जब ये रात में उड़े तो हमें पता रहे भाई हमारा हेलीकॉप्टर कहां चला गया, पता चले वो खो जाए तो ये खोएगा नहीं। आपको जो है ना टॉर्च की मदद से ये दिखता रहेगा कि ये कितनी दूर जा रहा है। और इसका मॉडल नंबर है भाई 806, और ये पावरफुल वाला मॉडल है जो काफी तगड़ा होता है ड्राइविंग के लिए। तो इसके नीचे का जो बेस वगैरह वो सब कुछ बड़ा तेज चलता है। तो मैं आपको दिखाने वाला हूं अभी इसका एक लाइव डेमो, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि इसके बॉक्स में आता है एक इस तरीके का चार्जर, और ये जो आप पिन देख रहे हो इस पिन को आपको एक्चुअल में लगाना होता है इस वाली जगह पे। जब यहां पे आप लगा दोगे तो इसके अंदर एक लाल कलर की लाइट जलती है, और जब वो ग्रीन हो जाए तो समझ लेना आपका हेलीकॉप्टर पूरा चार्ज हो गया है। और चार्ज होने के बाद ही आप यहां से इसको ऑन कर सकते हो, ये जो येलो कलर का बटन है जैसे ये दबाओगे तो यहां पे लाल लाइट और नीली लाइट जलने लगती है। इसका मतलब ये कि भाई ये प्रॉपर आपका फुल चार्ज हो चुका है। लेकिन चार्जिंग का फायदा तो तब होगा ना जब आपने रिमोट कंट्रोल में सारे के सारी बैटरी डाल दोगे, और इसके अंदर भाई एक नहीं दो नहीं तीन नहीं चार नहीं पांच नहीं बल्कि डलती है 6AA बैटरी। तो शुरू करते हैं 1 2 3 4 5 6, तो 6 बैटरी लगाने के बाद हमें इसको लॉक कर देना। और यहां से हम जैसे ऑन करेंगे तो इसके अंदर आप देख सकते हो ये जो लाइट है ये प्रॉपर लुप लुप करने लगती है, यानी कि अब ये दोनों आपस में कनेक्ट हो चुके हैं। और जब ये कनेक्ट हो जाता है तो ये वाली लाल लाइट जो लुप लुप कर रही थी ये भी भाई एकदम स्टॉप हो जाती है। और इसके अंदर तीन मोड दे रखे, भाई मैनुअल चला सकते हो, ऑटोमेटिक चला सकते हो, या आप जिस मर्जी तरीके से इसको उड़ाना चाहो वैसे भी चला सकते हो। ये इन सब बटन का भाई बहुत तगड़ा काम आने वाला है और बहुत तगड़े तरीके से यूज होगा। तो मैं आपको छोटा डेमो देता हूं, ये देखो जैसे जैसे आप इस बटन को थोड़ा थोड़ा ऊपर करोगे तो इसकी पंखुड़ी देखो कितनी तेज की घूमने लगती है। और अभी तो मैंने फुल स्पीड भी नहीं करी, ओ भाई ये बहुत तेज चल रहा है, मेरे को ठंड लग रही है क्योंकि मैं जो भाई टी शर्ट में वीडियो बना रहा हूँ, तो भाई मेरे को जो चेस्ट पे बहुत तेज की हवा लग रही है। और ये पता नहीं देखो ये भाई इसको ना छोड़ देता है, एक काम करता नहीं तो भाई ये मेरे बाल वाल काट देगा, तो एक काम करता है इसको ना बाहर उड़ाते हैं, ठीक है वहां पे काफी ज्यादा मजा आएगा। तो आज मेरे साथ लाइव यार एक बार इसका लुक देखो भाई साहब, मतलब इतना लग रहा है ना, इतना बढ़िया लग रहा है यार ये हरी भरी घास में और ये इसके अंदर पता नीचे लाइट भी चल रही थी अभी। ओ भाई साहब ये इसके रेंज देखो यार, मतलब कैसे अपार्टमेंट के ऊपर तक छू गई थी। ओ यार ये तो हवाई शहर पे निकल चुका है, ओ ये कितना बहुत ज्यादा ही प्यारा यार ये। वाकई में भाई मेटल वाला जो है ना इसकी स्पीड भी अच्छी है और इसकी रेंज भी अच्छी है, मजा आ गया। ओ भाई साहब रोको यार इसको, यार भाई इसको ऑफ करो पहले। तो ये जो चीज है भाई बहुत ही ज्यादा तगड़ी है, बहुत ज्यादा ऑसम है, इसको यहाँ से भी ऑफ कर देते हैं। भाई ये इतना ज्यादा ऊंचा चला जाता है ना, मतलब यहाँ से नीचे से एकदम ऊपर ऐसे जाएगा आपको लगेगा कि कोई चिड़िया जो है ना आसमान में जा रही है, और भाई ये पता भी नहीं चलता कि कहां गायब हो गया कहां नहीं हुआ। लेकिन अगर ये दीवार से या पेड़ वगैरह से टकराता तो भाई ये मेटल की टिप होने की वजह से ये टूटता नहीं है और ना ही ये यहाँ से टूटता, क्योंकि ये भी यहाँ से भी मेटल का और यहाँ से अलॉय की बॉडी है। लेकिन अगर इसको रात में उड़ाते तो भाई ये हमें पता चल जाए
जाता है कि कहां जा रहा, क्योंकि यहां पर जो एक लाल कलर की और नीले कलर की लाइट जलती है वो हमें बताती रहती है कि हमारा हेलीकॉप्टर एक्चुअल में कहां पे उड़ रहा है। तो इसको देख के भाई मुझे तो काफी ज्यादा मजा आ रहा था, एकदम बिल्डिंग के ऊपर तक पहुंच गया था। अगर आप लोगों को भी आरसी हेलीकॉप्टर के साथ खेलना बहुत पसंद है, आरसी कार के साथ खेलना पसंद है, तो आपको लिखना अपना नाम, उसके आगे वॉल लिख देना और उसके आगे आपको लिखना है आरसी हेलीकॉप्टर मेटल वाला, ताकि आपको ये वाला मेटल का हेलीकॉप्टर गिव अवे हो सके। तो इसको रखते हैं इसकी जगह पे। तो ये आ चुके भाई हमारे हाथ में हमारी स्पेस गन, जो काफी ज्यादा अच्छी है और इसके ऊपर भी लिखा हुआ है कि लॉन्ग रेंज एफर्ट, यानी कि ये वाली जो गन है भाई काफी दूर तक निशाने लगा सकती है, इसलिए इस पर लॉन्ग रेंज एफर्ट लिखा हुआ है। और इसका जो भाई मॉडल वगैरह आप देखोगे ना, इसका डिजाइन जैसे कि भाई साहब स्पेसशिप्स वगैरह जो डिजाइन होते ना सेम इन्होंने देखो बिल्कुल वैसे ही इसको कटिंग वगैरह दे रखी है। और ये देखो यहाँ से जो लोडिंग का सिस्टम है काफी बढ़िया आवाज आई है। और इस वाली जगह पे हम हमेशा दो जो है ना हमारी अपनी गोलियां हम हमेशा रिजर्व करके चल सकते हैं, यानी इसके अंदर रखते हैं और तीसरी यहाँ रख सकते हैं। तो एक ही बार में इसके अंदर रखने के बाद ओ माय गॉड भाई इसका ट्रिगर जो है ना काफी ज्यादा अच्छा है, कड़ंग कड़ंग। तो भाई इसकी साउंड भी बहुत प्यारी आने वाली है, तो इसका लाइव डेमो देखने में काफी मजा आएगा। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर की जो बुलेट्स हैं वो कुछ इस तरीके की होने वाली है। यहां से दिखाता हूं, अच्छे से क्लियर दिखेगा आपको कि इसके अंदर जो आप ये बुलेट्स देख रहे हो कुछ इस तरीके की होती है कि आगे से जो है ना ये बिल्कुल सॉफ्ट बुलेट है और ये आगे इसके अंदर हमें डार्ट मिलता है और आगे से ये भाई स्पंज वाली भी है, यानी कि भाई ये जो है ना आराम से पता चिपक भी सकती है। देखो नहीं गिर रही ना इसको दीवार पे या फिर हम भाई किसी ना डोर वगैरह पे कांच पे इसको चिपका के भी देखेंगे और हम इससे भाई किसी ना किसी आज विलन को पीटने वाले हैं। हो सका तो आज या तो थैनोस को पीट देंगे या एंटमैन को या आयरन मैन को या फिर किसी को डोरेमोन को पीटेंगे। लेकिन आज जाओ मेरे साथ, मैं आपको एक लाइव डेमो देने वाला हूँ। आज के कप के महल पे हम भाई बिठाने वाले मोटू पतलू को। तो यार हमने जो अपने मोटू को बना दिया यहाँ पर और ये भटैक भाई कितनी तेज की आवाज आई यार, क्या हेडशॉट था भाई, पट से हेडशॉट लगा और ये भाई टाइल पे भी चिपक गई, क्या बात है। क्यों आ गए ना मुझे दाएं दाएं था। तो भाई कहा था ना मैंने कि ये वाली जो लॉन्ग रेंज एफर्ट है ये एक्चुअल में काफी ज्यादा दूर तक जाती है और इसका डिजाइन वगैरह इतना खूबसूरत है कि मैं क्या ही बताऊं। तो मुझको तो ये वाली जो गन है काफी ज्यादा पसंद आई और इसी की वजह से भाई आज हमने जो पिटाई करी है ना बहुत ही ज्यादा तगड़े इसके निशान है भाई, सच में मानना पड़ेगा। और इसकी ये चीज काफी ज्यादा इन्होंने अच्छी बना रखी, क्योंकि आप हमेशा यहाँ पे एक नहीं बल्कि टोटल तीन गोलियां हमेशा इसके पास रख के चल सकते हो, आपको कोई जेब में नहीं डालनी पड़ेगी, दो यहाँ लगा दो एक यहाँ पे लगा दो, ताकि आप हमेशा जो है निशाने वगैरह बड़े आराम से मार सको। तो को ये वाली स्पेस गन काफी ज्यादा पसंद आई। अगर आप लोगों को भाई ये वाली गन पसंद आई तो आपको लिखना अपना नाम, उसके आगे वॉल लिख देना और उसके आगे आपको लिखना स्पेस गन, ताकि ये वाली स्पेस गन आपको गिव अवे हो सके। तो इसको रखते हैं इसकी जगह पे। तो ये आ चुका है हमारे हाथ में भाई साहब कार लॉन्चर पूरा सेट, जो भाई साहब हॉट व्हील्स की तरफ से आता है रैपिड लॉन्चर के नाम से। इसके अंदर सारी सारी डाईकास्ट कार होती है, यानी मेटल की कार होती है और मेटल का इसका लॉन्चर भी होता है। इसके अंदर तीन वाली नहीं है बल्कि ये आज बहुत बड़ा वाला लेके आए हम, यानी कि इसके अंदर 10 कार मिलती है। तो ये उठा लिया भाई मैंने अपने हाथ में इसका लॉन्चर और आज जो है भाई मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं रेस लगा करके, और वो जो इसके साथ कौन मिले हमें वो भी खड़े करेंगे और देखेंगे कि रेस कैसे होती है। तो मैं आपको एक डेमो छोटा सा यहाँ पे देता हूँ अपने हाथ पे, उसके बाद मैं आपको फ्लोर पे चला के दिखाऊंगा। तो इसको ना कार को ऐसे लगाना है जैसे लंबोर्गिनी लिया हमने हुरकैन और पीछे की तरफ खींच देना है। तो जैसे ही आपको एक आवाज आती है ना कड़क, तो इसका मतलब ये कि भाई ये पीछे की तरफ जाके लॉक होगी और जैसे हम ये बटन दबाएंगे तो ये बाहर आएगी। ये देखो है ना भाई अभी गिरने वाली थी। तो भाई आज मेरे साथ लाइव, मैं आपको एक लाइव डेमो दिखाने वाला हूँ, लैम्बोर्गिनी से लेके फरारी वगैरह तक सारी कार का दिखाता हूँ आपको लाइव डेमो। तो आज मेरे साथ लाइव कार लॉन्चर में ना फरारी बुगाटी और लैम्बोर्गिनी है, तो देखते हैं हम कौन सी कार जो है सबसे ज्यादा आगे जाएगी और कौन सी जीतने वाली है। तो चलो भाई शुरू करते हैं। तो ये गई भाई येलो वाली, ओ भाई साहब काफी दूर गई है। तो चलो भाई यहाँ पर जो है पहला टारगेट रख देते हैं, दूसरी नीली वाली, ओ माय गॉड भाई साहब ये तो फ्रिज से भी आगे चली गई। ओहो बुगाटी तो भाई टक्कर खा के उल्टी हो गई, मुझे तो लग रहा है शायद हमारी नीली वाली फरारी ही जीतेगी जो फ्रिज से भी ज्यादा आगे गई है। ओहो ये तो लैम्बोर्गिनी दीवार के पास चली गई और हरी वाली लैम्बोर्गिनी भाई सीधा दरवाजे से टकरा गई है, तो यानी नीली वाली हो गई विनर, क्या बात है भाई साहब माय गॉड यार, मतलब मेरा ना हाथ भर गया पता, अभी भी इतनी सारी गाड़ी और तीन तो भाई मैंने आई पे पास में रख रखी है। ये फरारी के एंजो मॉडल है, ये लंबोर्गिनी हुरकैन है, ये लंबोर्गिनी एवेंटाडोर है, ये बुगाटी शिरोन है, ये बुगाटी की वेरॉन है। तो भाई इतनी सारी कार है और ऊपर से ये व्हाइट वाली भी बुगाटी है और ये नीली वाली है हमारी फरारी एंजो। तो आप देख सकते हो कितनी सारी डाईकास्ट वाली कार के मॉडल आज हमारे पास में और सारी की सारी काफी खूबसूरत लग रही है। ऐसा लग रहा है भाई कि पूरा का पूरा शोरूम हमने अपने हाथ पे सजा लिया है ना, और एक से एक कलर है यार, कलर भी बहुत सारे हैं। तो भाई मेरे को ये वाला कार लॉन्चर सेट काफी ज्यादा अच्छा लगा। अगर आपको पसंद आया तो आपको लिखना अपना नाम, अपने नाम के आगे वॉल लिख देना और उसके आगे आपको लिखना कार लॉन्चर सेट और डाईकास्ट कार, ताकि आपको लॉन्चर सेट के साथ साथ पूरी की पूरी मेटल की डाईकास्ट कार सारी की सारी गिव अवे हो सके। तो इनको रखते हैं इनकी जगह पे। तो ये ले लिया भाई हमने एक मिरर क्यूब, जो काफी ज्यादा पजल कर रखा इस टाइम मैंने, और इसको भाई यकीन मानो बनाना काफी ज्यादा मुश्किल है। ये देखो और इसका जो साउंड है वो भी काफी तगड़ा आता है।
ये देख रहे हो। और भाई पता स्मूथ भी काफी ज्यादा है, ये कहीं से भी ना अटकता वटकता नहीं है ये देखो। ओ माइंड ब्लोइंग यार, इसकी आवाज वगैरह बहुत ज्यादा प्यारी है। अगर भाई साहब कोई चैलेंज लेने वाला आज है तो भाई सच में काफी ज्यादा मजा आने वाला है। तो अगर आप लोगों को ये लगता है कि आप इसको इन्फिनिटी वाली मिरर क्यूब को सॉल्व कर सकते हो तो भाई आपको लिखना अपना नाम, उसके आगे वॉ लिख देना और उसके आगे आपको लिखना मिरर क्यूब चैलेंज एक्सेप्टेड, ताकि ये वाला क्यूब मैं आपको गिव अवे कर सकूं। भाई ये इतनी जल्दी सॉल्व नहीं होगा, लेकिन अगर आपने सॉल्व कर दिया तो आपको भाई मिलने वाला है ये वाला क्यूब प्लस में ये गोल्डन कलर का मिरर क्यूब भी आप लोगों को दे दिया जाएगा गिव अवे में। और ये भी मिरर क्यूब ही है, लेकिन जब भाई हम इसको पसल कर देते हैं ना तो ये कुछ इस तरीके से दिखता है जैसा कि इस टाइम ये दिख रहा है जो मैंने कर दिया है। तो यार मैं तो आप लोगों की तरह इंटेलिजेंट हूं नहीं, इसलिए अब मुझसे नहीं सॉल्व नहीं हो रहा, लेकिन अगर आप लोगों से हो सकता है तो आपको मैंने बता दिया क्या करना ताकि ये आपको गिव अवे हो सके। तो इसको रखते हैं अब इसकी जगह पे। लुक एट दिस यार, एक बार देखो कितना ज्यादा प्यारा लग रहा है वो रखा हुआ साइड में। तो अब बारी आती है हमारी डांसिंग शार्क की, जिसके भाई ब्लू कलर के पहिए और ब्लू कलर की हमारी शार्क है। कुची 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 कुची, तो ये काफी ज्यादा क्यूट है। आपको इसकी जो जीभ दिख रही है, जो दो दांत दिख रहे हैं, अभी इस पे ना भाई नजर बना के रखना, क्योंकि ये सारे के सारे जो फंक्शन है इसी से होने वाले हैं। और भाई ये जो है एक साथ इस तरीके से आपको नचा के आती है, और ये जो है ना ये लॉक सिस्टम दे रखा, तो मैं आपको बताता हूँ करना क्या एक्चुअल में। ये देखो भाई, ऐसे अगर खड़ी हो गई तो समझ लो 360 डिग्री घूम घूम के ना ये आपको स्टंट दिखाएगी और डांस करके दिखाती है और टम्बलिंग भी करती है, जिसको बोलते हैं उल्टी पुलट मारना। और इस तरीके से अगर लॉक कर दिया तो ये यहाँ से ऐसे लॉक हो जाती है और ये बन जाती है एक शार्क। ये देखो बन गई ना, कितनी प्यारी लग रही है यार। मैंने इसको देख के कंफ्यूज हो रहा हूँ कि शार्क है डॉल्फिन है, और हमेशा ही होता हूँ, इसमें कोई नई बात नहीं है, तो आप मुझे लिख के बता देना ठीक है। और भाई अब इसका एक लाइव डेमो बनता है, और इसके व्हील्स की मैं बता दूं तो इसके अंदर देखो भाई दो नहीं है, आपको दोबारा बताता हूँ, एक और एक, दो तीन और चार, यानी कि इसके अंदर टोटल आपको मिलते हैं 4 wheels। और भाई ये ना काफी तगड़ी स्पीड में भी चलते हैं। आप सोच रहे हो कि भाई ये तो चल रहे हैं, ये क्यों नहीं चल रहा, तो मैं आपको बता दूं जब इसको फर्श पे रखते हैं ना फ्लोर पे ये तब चलता था भाई। आप कंफ्यूज नहीं करने वाला, आ जाओ मेरे साथ लाइव डेमो पे। ये आ गई है हमारी ब्लू कलर चौकी भाई साहब। अभी देखना कितना बढ़िया करतब करने वाली है। ओ माय गॉड गाइस, ये देखो 1 और ये 2 और ये 3। ओ भाई साहब, ये देखो भाई साहब, इसके जो नीचे वाले टायर अपने आप ओपन हो गए एकदम से, टिकट खाते हुए देख रहे हो अभी दोबारा आएगी स्पीड में। ओ भाई साहब, क्या रिवर्स गियर लगाया इसने अपने आप। ओ माय गॉड गाइस, भाई साहब क्या नाच रहे हैं, डांसिंग शार्क है भाई ये तो। तो ये आ चुकी है हमारे हाथ में हमारी डॉल्फिन, और इसने काफी ज्यादा भाई गजब वाले स्टंट करके दिखाई। ऐसे खड़े होकर ना 360 डिग्री घूम के स्टंट करके दिखा रही थी, कभी उल्ट पुलट होकर भाई ये टम्बलिंग करके दिखा रही है, भाई गुलाटियां मार रही थी लिटरली। और इसको ना भाई मैं बोलूंगा डांसिंग सार कुची कुची कुची। ये वाकई में काफी ज्यादा क्यूट है, जितनी क्यूट वो थी ना भाई अपनी एलईडी लाइट की वजह से उतनी ज्यादा क्यूट मुझको ये भी लगी भाई। मैं इन दोनों को कंपेयर नहीं करूंगा, क्योंकि वो रेड वाली अपनी जगह पे थी, ब्लू वाली अपनी जगह पे थी, तो मेरे को ये वाली फिश भी काफी ज्यादा क्यूट लगी। और इसका पेंट वगैरह देखो यार, डिटेल देखो एक बार, कितनी ज्यादा HD है। और ये देखो बिल्कुल 3D बना रखा है कि भाई हाथ में लेने से फील होता है, और वेट भी काफी ज्यादा अच्छा है। तो अगर आप लोगों को ये वाली ब्लू शार्क पसंद आई हो डांसिंग वाली, तो आपको लिखना अपना नाम, उसके आगे वॉ लिख देना और उसके आगे आपको लिखना डांसिंग ब्लू शार्क, ताकि ये वाली ब्लू शार्क आपको गिव अवे हो सके। वो रेड वाली फिश थी, ये है ब्लू शार्क, तो इसको रखते हैं इसकी जगह पे। और भाई साहब अब वो घड़ी आ चुकी है जिन लोगों को था इंतजार, 144 पीस का 8 किट सेट वाला ब्रीफकेस जो बनाते हैं यूनिकॉर्न वाले, और ये आता एकदम स्टील वाले लॉक के साथ। ये देखो भाई प्रॉपर मेटल का हैंडल भी इसके अंदर मिलता है, जिसके साथ ये काफी ज्यादा अच्छा लगता है। देखो इतना स्वैग में लग रहा है ना, मैं क्या ही बताऊं। और भाई BTS वाली ज्योमेट्री भी है अभी, जो एकदम अटैची की तरह दिखती है, मेकअप वाले बॉक्स में आती है वो, और इसको इस तरीके से पकड़ना होता है। और सबसे अच्छी चीज भाई ये देखो, यहाँ पे ना कब्जे लगे हुए हैं जिसको हम लॉक कहते हैं, और ये भी भाई प्रॉपर मेटल के बने हुए हैं। तो ये एक तो भाई अपने आप में बहुत खूबसूरत लग रहा है, छोटे छोटे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार बने हुए हैं, फ्लावर्स बना हुआ है, मून बना हुआ है, और यहाँ पर आप देखोगे ना तो कैसल भी है, यानी कि भाई महल वगैरह बने हुए हैं, बोट टाइप बनी हुई है। और ये भाई साहब बादलों पे सवार हुआ पड़ा हमारा इंद्रधनुष के ऊपर यूनिकॉर्न, तो भाई मेरा तो काफी ज्यादा फेवरेट है यूनिकॉर्न। और इसको भाई इस तरीके से खोलने वाले हम, और ये देखो आप ही के सामने खोलेंगे, तो इस तरीके से खोलना है, और फिर उसके बाद इसको यहां से ओपन करेंगे, और जैसे इसको बोलेंगे खुल जा सिम सिम, तो ये खुल जाता कुछ इस तरीके से। और इसके अंदर भाई ऑयल पेस्टल कलर्स वगैरह सब चीज आपको मिलने वाले हैं, तो भाई आप लोग देख सकते हो ऑयल पेस्टल कलर है, जिसको हम क्रियॉन्स के नाम से जानते हैं, 2-in-1 वाले मार्कर है। एक तरफ से अगर आप इसको
इसको भाई कलर्स की तरह यूज कर सकते हो, तो दूसरी तरफ से आप इसको हाइलाइटर की तरह यूज कर सकते हो, यहाँ से इसको आप कलर की तरह यूज करो। और ये देखो भाई पेंटिंग ब्रश से लेके स्केच पेंसिल वगैरह सब कुछ मिलने वाली है। एक एक्स्ट्रा लार्ज इरेजर मिलेगी जो बड़ी वाली इरेजर होती है, यहाँ पे आपको शार्पनर मिलेगा और इस तरफ में आपको मिलेगा भाई शेड देने के लिए एक ब्रश। और अगर आपको और अच्छे तरीके से पेंटिंग बनानी तो ये वाला ब्रश भी मिलता है। और इस साइड में मिलते भाई हमें बहुत सारे पेस्टल कलर, जैसे कि इसमें से एक मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। ये देखो भाई ये एक वाटर कलर, ओ माय गॉड कितना प्यारा लग रहा है भाई, मुझे लगा था कि रेड कलर है लेकिन इन लोगों की ना लैंग्वेज ही अलग है। देखो स्कारलेट रेड लिख रखा है इन्होंने, भाई होता होगा कुछ स्कारलेट रेड भी। एक बार इसे खोल के देखो क्या कैसा है अंदर से। भाई ये मैं नहीं खोल सकता, इसकी सील तो भाई आपको ही खोलनी पड़ेगी, जब ये आपके पास आएगा तब ये गिव अवे होगा आपको, नहीं तो फिर आप लोग मेरे को बोलोगे यूज करे हुए दे दिए मजाक कर रहा हूँ यार, मेरे को पता है आप लोग फनबाज भैया को बहुत ही ज्यादा प्यार करते हो। तो ये आप देख रहे हो पूरी की पूरी प्रॉपर किट है। तो भाई जिस भी लोगों को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है ड्राइंग बनाना और उनको ड्राइंग करना बहुत अच्छा लगता है, और इसके साथ आपको कटोरी भी मिलती है ताकि आपको अलग से अपने घर की कोई कटोरी गंदी नहीं करनी पड़ेगी। इसी के अंदर भाई कलर को घोलो और इसी से ब्रश से बहुत अच्छी सी पेंटिंग बना दो। तो अगर आपको भाई आर्ट करना बहुत अच्छा लगता है, ड्राइंग बनाना बहुत अच्छा लगता है, तो आपको लिखना है अपना नाम, अपने नाम के आगे वाव लिख देना और अपने वाव के आगे आपको लिखना है फनबाज भैया आई लव यू, ताकि आप लोगों को ये वाली यूनिकॉर्न की आर्ट किट सेट गिव अवे हो सके। तो ये अटैची वाली है भाई, अगर आप जब ड्राइंग बना लोगे तो वापस से सारे सामान इसमें रख देना और इसको इसके अंदर रख के अपनी कहीं भी अलमारी के ऊपर या टीवी के ऊपर रख देना, ताकि ये आपका गंदा ना हो, जैसे कि ये नया का नया अभी भी है। तो इसको रखते हैं इसकी जगह पे। तो ये ले लिए भाई हमने अपने हाथ में मेकअप बॉक्स वाली एक ज्योमेट्री बॉक्स, और इसको बोलते भाई जंबो ज्योमेट्री बॉक्स ऑफ BTS, क्योंकि ये आती है BTS वालों की तरफ से, जिसमें आप देख सकते हो एनिमे बना हुआ है कोरियन वाले स्टाइल में, और इसको आप इस तरीके से पकड़ के आराम से लेके जा सकते हो। यानी कि ना तो आपको इसको अपने बैग में रखना, आपको इसको कहीं और रखना है, इसको जब जिस दिन आपका एग्जाम हो या जिस दिन भी आपको कोई पेपर है तो भाई इसको अपने हाथ में इस तरीके से आराम से लेके जाना। सब लोग आपसे पूछेंगे कि अरे यार ये आपने कहां से लिया है, अरे बहन बता तो दे कहां से लिया, तो आप बता देना कि ये जो है फनबाज भैया ने दी थी, क्योंकि ये वाकई में काफी ज्यादा अच्छी है। लेकिन ये जो है भाई मेरे से ज्यादा आपके पास अच्छी लगती है, आपके हाथ में अच्छी लगती है। तो ये भाई जो है ना ये, और भाई इसकी एक खास बात और है कि इसके अंदर ना जगह बहुत सारी है भाई सामान रखने के लिए, जिसमें आप अपने पैसे वगैरह रख सकते हो, और ये स्पेशली BTS के कलेक्शन में आती है, तो भाई जो भी BTS आर्मी है उनके लिए आज काफी ज्यादा मजा आ जाएगा। लेकिन सबसे तगड़ी चीज क्या है कि ये भाई पासवर्ड वाली ज्योमेट्री बॉक्स है, यानी कि आपके अलावा इसको कोई भी नहीं खोल पाएगा। जब ये आपको गिव अवे होगी तब ये यहाँ से ना पर्ची उतार देना, क्योंकि ये जो चिट है इस पे पासवर्ड लिखा है, तो इसको हटा देना, नहीं तो कोई भी आपका पासवर्ड खोल लेगा ना इससे। तो ये 125 जो ये आपका पासवर्ड है तो इसको यहाँ से ऐसे हटा के फेंक देना, और 125 जो है पासवर्ड याद रखना या फिर आप कॉपी में लिख लेना। आपको क्या करना है, जब आपको ज्योमेट्री बॉक्स को खोलना है तो ये 1 को ऊपर करना, एक बार 2 को ऊपर कर देना और एक बार 5 को ऊपर कर देना। अब ये हमारा कॉम्बिनेशन बैठ गया है, और जैसे इसको दबाएंगे ये देखो तो ये लॉक जो भाई खुल जाता है, और ये जो है ना स्पेस ये यहाँ पे अटकता है, तो ये इसलिए इसके अंदर अटक के लॉक की तरह बन जाता है। और जैसे आप इसको खोलोगे तो खुल जा सिम यहाँ पे मिलने वाला है आपको एक मिरर। तो ये काफी ज्यादा तगड़ा मिरर है, इसके साथ आप अपना मेकअप वगैरह भी कर सकते हो। और यहाँ पर भाई आपको एक क्यूट सी बेबी डॉल दिखती है, देखो कितनी प्यारी लग रही है ना। और यहाँ पे आपको मिलते हैं भाई कॉम्बिनेशन वाले टेबल जो काफी ज्यादा तगड़े दिख रहे हैं ना, जैसे कि देखो 6 कितना होता है, तो यहाँ लिखा हुआ है 36, तो कॉम्बिनेशन टेबल मिलेंगे। एक स्केच पेन भी है, और जैसे आप इसको उठाओगे तो इसके नीचे भाई मिलती है आपको खुल जा सिम वाली जगह। यहाँ पे आप अपनी इस तरीके से आने वाली फैंसी इरेजर रख सकते हो, जैसे बिस्किट वाली हो गई या ये स्माइली वाली हो गई जिसके ऊपर भाई हार्ट बना हुआ है। और इसके बाद भी अगर आप खोलोगे तो जगह इसके अंदर खत्म ही नहीं होते, क्योंकि ये 2-in-1 नहीं है, 3-in-1 नहीं, 4-in-1 है ये। यहाँ पे देखो यहाँ पे आप अपने 12 स्केच रख सकते हो, कंपास डी 15 सेंटीमीटर वाला स्केल कलर सेट कुछ भी यहाँ रख सकते हो, और पैसे छुपा के ना नीचे की तरफ रख देना ताकि आपके सारे पैसे यहाँ सेव रहे, कोई भी ले नहीं पाएगा है ना। तो यहाँ पर जो आप अपने शार्पनर वगैरह रख सकते हो, नहीं तो इस तरीके से फैंसी रेजर रख सकते हो। और उसके बाद जब आप अपना सारा सामान रख दो तो इसको इस तरीके से दबा के लॉक कर देना, और पता भाई बकायदा आवाज आती है सुनो है ना, कितनी प्यारी साउंड आई है। और उसके बाद ना इसको 1 को भी नीचे कर देना, 2 को भी नीचे कर देना और 5 को भी नीचे कर देना। अब ये सारा हो चुका है भाई लॉक, ये खुलने वाली नहीं है किसी से भी। और उसके बाद देखो इस तरीके से वापस से आपको पकड़नी है, और उसके बाद देखो कहीं भी आपको जाना हो तो इस तरीके से पकड़ के बड़े आराम से इसको लेके आप जा सकते हो। हर कोई ये सोचे कि भाई ये कोई मेकअप बॉक्स लेके जा रही होगी शायद लड़की, जो फनबाज भैया ने दिया था ये एक्चुअल में एक हमें पेंसिल बॉक्स दिया। तो जिस किसी को भी ये BTS वाला पसंद आया हो और वो अगर BTS आर्मी से, तो उनको लिखना अपना नाम, उसके आगे लिखना वाओ और उसके आगे लिख देना BTS जंबो ज्योमेट्री बॉक्स पासवर्ड, क्योंकि ये पासवर्ड वाली है भाई। और एक आता है बिना पासवर्ड की भी, तो पासवर्ड वाली जरूर लिखना ताकि ये वाली जंबो ज्योमेट्री बॉक्स आपको गिव अवे हो सके। और उसके आगे फनबाज भैया लिख देना। तो भाई इसको रखते हैं इसकी जगह पे। तो ये आ चुकी है हमारे हाथ में फॉर्मूला 1 वाली कार, और ये देखो भाई कैसे लेफ्ट राइट हो सकती है। इसके आगे LED बल्ब्स लगे हुए ताकि आप इसको रात में भी देख सको कि भाई हमारी कार कहां चली गई, क्योंकि इसकी जो स्पीड है वो भाई नॉर्मल RC कार से काफी तेज होती है, क्योंकि F1 वाली जो गाड़ियां होती है ना फॉर्मूला 1 वाली वो ऑलरेडी काफी तेज चलती है। और यहां से भाई इसके अंदर 3 तरीके के लाइट जलते हैं, जिसके बाद यहां से
एक भाई स्प्रे निकलता है जिसको हम बोलते हैं आरसी स्मोक, और उसके टायर देखो भाई, इसने तो असली वाले एमआरएफ और अपोलो के टायर भी फेल कर दिए भाई। लेकिन यहाँ पे जो आप देख रहे हो ना, ये कोई फ्यूल टैंक नहीं है, एक्चुअल में ये है भाई एक लिड जिसके अंदर वाटर टैंक बना हुआ और यहाँ पे पानी डलेगा। और इसी के भाई बॉक्स में देखने के लिए मिलती है इस तरीके की बॉटल जिसके अंदर हमें सिर्फ इतना सा वाटर डालना है, और उसके बाद इसको आप जैसे ही दबाओगे ना, ये देखो भाई जैसे मैं इसके अंदर वाटर ड्रॉप डाल रहा हूँ, कुछ इस तरीके से आपको सिर्फ थोड़ा सा इसके अंदर पानी डालना है और इसके बाद भाई इसको लॉक कर देंगे। और जैसे आप इसको नीचे करोगे तो आपको यहाँ पर दिखेगा भाई एक इसका कैप और उसके नीचे यहाँ बैटरी लगी हुई होती है जिसको इस तरीके से कनेक्ट करना होता है, जो मैंने ऑलरेडी कनेक्ट कर दी ताकि भाई आपका टाइम बच सके, क्योंकि आपको डंपर भी दिखाना जो आरसी ट्रक है और भी काफी चीजें हमारी रह रही हैं जैसे छोटा भीम वाली वॉच। तो भाई इसको जैसे ऑन करेंगे तो यहाँ से देखो एलईडी लाइट्स वगैरह हो गई शुरू। अब इसके बाद हमें एक सिंपल सा काम और करना है कि ये जो इसका जो रिमोट कंट्रोल है उसका स्क्रू ड्राइवर निकालना है और उससे इसका स्क्रू खोल के इसके अंदर लगानी होगी दो डबल बैटरी कुछ इस तरीके से, और उसके बाद भाई हम इसको भी अच्छे से लॉक कर देंगे कुछ इस तरह। तो ये अब हो चुका है भाई तैयार, ये देखो है ना, मतलब स्पीड देख रहे हो क्या, गोली की तरह जाती है, मतलब कि भाई आगे जा सकती है, पीछे जा सकती है, रिवर्स गियर में भी जाती है। और जो ये जो टायर वाला जो सिस्टम है भाई ये बहुत अमेजिंग होने वाला है, ये देखो जैसे इसको मैं घुमाऊंगा ना तो ये देखो राइट में हो गई, और इसको अगर मैंने ऐसे घुमाया तो लेफ्ट में, यानी कि ये आप भाई इसको ना 360 डिग्री स्टंट करवा सकते हो गोल गोल घुमा के। तो भाई अभी के लिए इसको सीधा कर देते वापस से। तो भाई आज मेरे साथ लाइव, मैं आप लोगों को इसका एक लाइव डेमो देने वाला हूं। पीछे से स्मोक भी निकल रहा है, ओ यार कतई बवाल यार, क्या लग रही है यार ये, और इसकी स्पीड देखो, ओ भाई बिल्कुल एकदम ये 360 डिग्री घूम के भाग गया। अभी जो है अब हम इसको ना थोड़ी देर में हम इसको लेके जाने वाले हैं सब रोड से नीचे, फिर देखेंगे कि क्या ये ऊपर खावर में चढ़ के आएगी या नहीं। ओ भाई 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 भाई, ये लो भाई अब मैं इसको लेके जाने वाला हूँ नीचे, ये देखो। ओ भाई थोड़े बहुत इसको जो है कठिनाई आ रही है लेकिन चढ़ गई, क्या बात है, वाह भाई वाह, ये तो भाई मजा आ गया भाई, सोने पे सुहागा हो गया। ओए यार क्या चीज है ये, देखना माइंड ब्लोइंग यार, ज़ूम। तो भाई ये जो कार है एक्चुअल में मुझको काफी ज्यादा पसंद आई, और इसके रिमोट कंट्रोल ने भाई साबित कर दिया कि वो काफी ज्यादा तगड़ी चीज बनाते हैं। और ये अंधेरे में भी इतनी प्यारी लग रही थी, मैं क्या बताऊं भाई, अगर सचमुच में अगर आप अकेले मेरी तरह ही रिकॉर्ड करते तो भाई आपके लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा इसको कैप्चर करना, क्योंकि ये गोली की तरह भागती है, पता भी नहीं चलता कि कहां जा रही है। इसकी वाकई में नॉर्मल आरसी कार से काफी तेज इसकी स्पीड है, और इसके टायर्स वगैरह जो है भाई ट्यूबलेस होने की वजह से ये ना तो जल्दी टूटने वाले ना जल्दी फूटने वाले, और ये 360 डिग्री घूम घूम के ना स्टंट भी दिखा रही थी, मुझको काफी ज्यादा प्यार लगा। और ये अंधेरे में भी बहुत अच्छी लगती है, और ये खोएगी नहीं भाई क्योंकि इसकी एलईडी लाइट जलती रहती है, रेड कलर की, ब्लू कलर की, पर्पल कलर की, ग्रीन कलर की, चार पांच तरीके की भाई इन्होंने तो लाइटें लाइटें दे रखी है, और पीछे अलग दे रखी है लाइट ताकि आपको पता रहे कि भाई जब स्मोक निकलता तो ऐसा लगता है ओए ओए, जैसे फास्ट एंड फ्यूरियस में देखते हैं ना कि गाड़ी ऐसे घूमती है ज़ूम करके और भाई पीछे से एकदम धुआं निकलता, तो सेम वही वाला इसके अंदर फील आता है। बस ध्यान रखना कि पानी जो है ना भाई थोड़ा लिमिट से इसके अंदर डालना, ज्यादा डालोगे पानी बाहर भी गिर सकता है। तो मेरे को ये आरसी स्टंट तो मुझको ये आरसी स्मोक कार काफी ज्यादा पसंद आई। तो अगर आप लोगों को भी आरसी स्प्रे कार बहुत पसंद आती है तो आपको लिखना अपना नाम, उसके आगे वॉलिक देना, और उसके आगे आपको लिखना है आरसी स्मोक कार, ताकि ये वाली फॉर्मूला 1 वाली स्मोक कार आपको मैं गिव अवे कर सकूं। तो इसको रखते इसकी जगह पे। तो ये ले लिया हमने अपनी एक मिनी कूपर जिसकी दोनों की दोनों आगे भाई ये ऐसा फील कराते हैं जैसे कि आंख मार रही है, ओ कार आंख मारे आंख मारे, ओ गाड़ी आंख मारे। ये एक विंटेज मॉडल है भाई मिनी कूपर का, जिसके जो आगे के हेडलाइट होते हैं ऊपर नीचे नाचते हैं, ये मुझको काफी पसंद है क्योंकि ना ये एक अलग ही तरीके की अजीब सी कार है, यानी वियर्ड। पीछे के टायर छोटे और आगे के बड़े, यार ये कैसा हो सकता है, क्योंकि भाई नॉर्मल गाड़ियों के पीछे के बड़े होते हैं और आगे के छोटे हो सकते हैं, लेकिन इसमें आप देखोगे तो पीछे का छोटा और आगे का काफी बड़ा है। लेकिन भाई स्पीड के मामले में आगे वाला ही काफी तेज चलता है, जिसकी आईज देख रहे हो कुछ कुछ। तो मुझको तो भाई ये ग्रीन पिंक और ऑरेंज ब्लैक कलर का जो कॉम्बिनेशन है काफी पसंद है, और ये कार भी काफी सॉलिड है, और भाई ये मेटल की होने की वजह से और भी ज्यादा तगड़ी है। तो ये डाईकास्ट वाली कार मुझे बहुत अच्छी लगी, अगर आपको भी पसंद आई है तो आपको लिखना अपना नाम, उसके आगे वॉलिक देना, और उसके आगे आपको लिखना है मिनी कूपर कार, ताकि ये वाली छोटी सी कार हेडलाइट की जो आंख मारते ये वाली आपको गिव अवे हो सके। तो इसको रखते इसकी जगह पे। तो ये ले लिया हमने अपने हाथ में स्लाइम, और इसके अंदर ऐसा लग रहा है ना कि जैसे भाई ये कोई समुद्र वाला पानी है जिसके अंदर हमारा पूरा बैर डूब गया है, तो हमें ना इस बैर को बचाना है, और ये पूरा बैर है तो इसको बचाएंगे। आ जाओ भाई बाहर आ जाओ, आप डूब कैसे सकते हो, स्विमिंग करो, बाहर आओ बाहर आओ। तो ये बाहर नहीं आएगा, अच्छा बेटा ये ले रुक जा मैं बताता हूँ। तो इस स्लाइम को हमने निकाल लिया है, और ये जो भाई देखो इस तरीके से इसको पू को हमें निकालना है, आओ भाई तैर के बाहर आओ। तो ये समुद्र के पानी से तैरता हुआ हमारा पूरा बैर बाहर आ चुका, और ये देखो कितना ज्यादा कूल लग रहा है यार ये
और पता है ये सबसे अच्छी बात क्या है इसकी कि ये वाली जो स्लाइम है ये भाई नॉन स्टिक है, देख रहे हो मतलब बिल्कुल भी चिपकती नहीं है, ना इसकी स्लाइम वगैरह चिपकती। तो इसी वजह से ना इसके साथ खेलने का मजा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। और ये देखो कितनी ज्यादा अच्छी लगती है ना, एकदम भाई समुद्र वाली स्लाइम लग रही है ये, मेरे को बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है। मुझे ना पता नहीं क्यों स्पिनर्स हो गए, यो-यो वगैरह हो गए, इन सबके साथ खेलना, स्लाइम के साथ खेलना बहुत पसंद है और पॉपेट के साथ भी। तो अगर आपको ये वाली भाई नॉन स्टिक वाली स्लाइम पसंद आई हो जो आपके हाथ में भी नहीं चिपकती ना आपके टॉयस से चिपकेगी, तो आपको लिखना अपना नाम उसके आगे, वो लिख देना, और उसके आगे आपको लिखना है पूदा बैर स्लाइम, ताकि ये वाली भाई बैर वाली स्लाइम आपको गिव अवे हो सके। तो इसको रखते हैं इसकी जगह पे। और अब बारी आने वाली आज के वॉच कलेक्शन की, तो सबसे पहले भाई छोटे भीम को यहाँ पे रखने वाले और हम देखने वाले हैं फ्रोजन प्रिंसेस वाली एक वॉच। और ये देखो इसका फेस कितना क्यूट लग रहा है भाई, ये एक क्वीन है पता है, महारानी है। और भाई ये आप देखोगे ना प्रॉपर फ्रोजन प्रिंसेस वाली है बार्बी की तरह, तो ये मेरे हाथ से ज्यादा ना आपके हाथ पे अच्छी लगेगी। और ये जैसे आप खोलोगे ये देखो क्या ही साउंड आया तो आपको अंदर भी ना यहाँ पे प्रिंसेस देखने को मिलेगी। और इससे टाइम सेट कर सकते हो, यहाँ से डेट सेट कर सकते हो, और यहाँ से आप अलार्म सेट करोगे, और जैसे इसको दबाते हो तो भाई इसके अंदर म्यूजिक और LED लाइट जलती है। ये देखो है ना, रेड कलर, ब्लू कलर, पर्पल कलर, ग्रीन कलर, तीन चार कलर की भाई इसके अंदर लाइट निकलते हो, टेने नेने, टेने नेने, टेने नेने, इतना प्यारा म्यूजिक चलता है क्या ही बताओ तो भाई आप ना रात में कहीं भी पार्टी में जा रहे हो तो आप इसको पहन के जा सकते हो। जब आपके कोई फ्रेंड वगैरह पूछे, आपके भाई पूछे कि भाई ये कौन सी वॉच है यार तेरे पे तो बहुत अच्छी लग रही है मेरी बहन, तो उनको बता देना कि ये जो है फनबाज भैया ने दी थी, ये हमें गिव अवे हुई है, ये जो है फ्रोजन प्रिंसेस वाली है जिसकी आवाज भी काफी अच्छी आती है। अगर किसी को टाइम नहीं दिखाना तो इस तरीके से भाई बंद भी कर देना वॉच को। तो ये वॉच काफी तगड़ी, आपको ये पसंद आई हो तो ये गर्ल्स के लिए ही है, तो आप अपने लिए भी ले सकते हो और अपनी बहन के लिए ले सकते हो। तो आपको लिखना अपना नाम, उसके आगे वॉच लिख देना, और उसके आगे आपको लिखना है प्रिंसेस वॉच, ताकि ये वाली वॉच आपको गिव अवे हो सके। भाई अपना नाम और एड्रेस लिखना बिल्कुल मत भूलना। तो इसको रखते हैं इसकी जगह पे। तो ये ले लिया हमने छोटे भीम वाली वॉच, लेकिन भाई उससे पहले ना एक छोटे भीम के कलर में आता है ये वाला स्क्रू ड्राइवर, देखो कितना प्यारा लग रहा है ना, आपको लग रहा होगा कितना भारी है ये, कितना हैवी होगा, लेकिन नहीं भाई ये एक टॉय वाला स्क्रू ड्राइवर है जिससे कुछ भी नहीं होता, इसको ऐसे करके ना कुटुक 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 करके खेल सकते हैं, तो ये मेरे को बड़ा प्यारा लगा। तो भाई उसके बाद बारी आती है हमारी वॉच की, तो ये देखो भाई ये इंदुमती रानी है जो काफी ज्यादा प्यारी लग रही है, ये भाई छोटा भीम वाला बैंड। और इसकी पता यार एक चीज बताऊं, मैंने क्या ट्राई करा था, ये जो आप छोटा भीम देख रहे हो ना गुल्ली डंडा खेलते हुए, ये एक्चुअल में ना आप इसको इस तरीके से ना फ्रेंडशिप बैंड पे भी बांध सकते हो, और ये उसके बाद ऐसा लगेगा भाई आप ही हो भाई छोटे भीम के सबसे बड़े वाले फैन है ना, लेकिन मेरे हाथ से ज्यादा ये आपके हाथ में अच्छा लगेगा। और जब आपका मन हो कि भाई आपको इसको वॉच बना के पहनना है तो कुछ नहीं करना, सिर्फ सिंपल सी चीज है इस तरीके से इसको डालना, और ऐसे आप बांधोगे इसको, तो जैसे आप इसको ऐसे करोगे तो ये देखो भाई लुक, ऐसा लग रहा है ना कि छोटा भीम का सबसे बड़ा फैन मैं ही हूं, लेकिन मुझे पता है कि मेरे से ज्यादा छोटे भीम को आप प्यार करते हो। तो भाई आपको जो है ये वॉच देखने में काफी मजा आएगा, यहां से बटन दबा के टाइम सेट कर सकते हो, यहां से डेट सेट कर सकते हो, और ये जो है भाई ये काफी तगड़ी चीज है, क्योंकि यहां लगा एक प्रोजेक्टर लैंप, और वो लैंप का क्या काम है, जैसे ही बटन दबाएंगे तो यहां से निकलते लाइट्स, और अलग अलग तरीके की ना आपको 24 तरीके की फोटो देखने के लिए मिलेंगी, जिसमें कि भाई आप पूरे आधे घंटे का छोटा भीम देख सकते हो। कैसे, तो लाइट्स को करने वाले हैं ऑफ। ये कौन है यार, इसको तो मैं पहली बार देख रहा हूं, अगर आपको नाम पता तो मुझे जरूर बताना। अरे यार ये कौन है, चड्डी पहन के घूमता रहता है, इसको कोई काम ही नहीं है क्या। हाँ ये आ गया हमारा छोटा भीम, और इसको पता आप ना अपने हाथ पे भी देख सकते हो, देखो जैसे जैसे आप अपना हाथ पीछे करोगे तो ये आपको दिखेगा, लेकिन जितना ज्यादा अंधेरा होगा और जितनी ज्यादा आपके पास व्हाइट दीवार होगी तो ये उस पर और ज्यादा अच्छा दिखता है। ये देखो छोटू मोटू पता नहीं ढोलू मोलू ऐसे कुछ नाम है इनका, और भाई ये भाई इतने सारे लोग हैं, मैं कह रहा हूं ना इसके अंदर 24 तरीके के फोटो है, 24 वाले सीन है, यानी 24 डिफरेंट आपको सीन देखने के लिए मिलेंगे, जिसमें कि कुछ फाइटिंग सीन्स भी होने वाले हैं, आपको पूरा ना आधे घंटे का छोटा भीम देखने के लिए मिल जाएगा इसके अंदर। तो भाई लाइट्स को करते हैं ऑन। भाई सचमुच में यार ये जो वॉच है काफी ज्यादा तगड़ी, तो प्रोजेक्टर वॉच मुझको हमेशा से बहुत अच्छी लगती है। तो अगर आप लोगों को ये छोटा भीम की प्रोजेक्टर वॉच पसंद आई हो, जिसके अंदर भाई इतने सारे फीचर्स है ना प्लस में, इतनी सारी इसके अंदर 24 फोटो मिलती है कि आपका ना पूरा आधे घंटे का एक छोटा भीम का शो देख सकते हो, यानी एपिसोड देख सकते हो, तो आपको लिखना अपना नाम, उसके आगे वॉच लिख देना, उसके आगे आपको लिखना है छोटा भीम प्रोजेक्टर वॉच, ताकि ये वाली वॉच आपको गिव अवे हो सके। तो इसको रखते हैं इसकी जगह पे। तो ये ले लिया हमने अपने हाथ में आज के भाई दो की चैन, जिसको आप अपनी ना बैग की चाबी का छल्ला बना सकते हो, अपनी बैग की जिप में टांग सकते हो, या आप अपनी साइकिल की चैन में डाल सकते हो। और अगर आपका मेरी तरह सपना है स्प्लेंडर लेने का, तो एक दिन आप अपनी इसको स्प्लेंडर की चाबी का भी छल्ला बना सकोगे। पहला है हमारा भाई सबसे पॉपुलर एनिमे जो आप देख सकते हो, ये और कोई नहीं है, ये भाई गोकू, मैं हूं गोकू, किससे भिड़ाएगा तू, खाली पीली में खामा खा मार खाएगा। तो मुझे गोकू जो है भाई ड्रैगन बॉल जी के टाइम से ही बहुत ज्यादा पसंद है, लेकिन ये जो है ना इसका हेयर स्टाइल ये काफी ज्यादा यूनिक लगता है मुझे। और दूसरा वाला जो है भाई ये है एक कैमरा, एक बार और खींचता हूं ना मैं आप लोगों की फोटो, 1 2 3 एंड स्माइल, ओ माय गॉड
भाई ये ना कहीं से, अच्छा ये यहाँ से दबाए क्या? अच्छा भाई इधर पीछे ना ऑन ऑफ का बटन दे रखा था, इसको यहाँ से ऑन करेंगे तो इसके अंदर रेड कलर की ब्लू कलर की लाइट जलती है और एक एलईडी बल्ब लगा हुआ है। भाई काफी क्यूट है ये, भाई क्या चीज है, कितना छोटा ये देखो भाई, मेरी एक फिंगर के बराबर भी नहीं है, बहुत क्यूट लग रहा है ये। तो भाई मेरे को दोनों के दोनों की चेन पसंद आया। अगर आपको भी अच्छे लगे तो आपको लिखना अपना नाम, उसके आगे वॉल लिख देना, उसके आगे आपको लिखना गोकू एंड कैमरा की चेन, ताकि ये दोनों के दोनों की चेन आपको गिव अवे हो सके। तो इनको रखते हैं इसकी जगह पे। तो ये ले लिया हमने अपने हाथ में योयो, जिसके ऊपर लिखा भाई आइटम नंबर 001H सुपर योयो। ये एक प्लास्टिक वाला योयो है और इसके अंदर एलईडी लाइट्स लगी हुई है। जब आप इसको रात में जलाते हो ना, तो भाई इसके अंदर जैसे आप इसको फेंकोगे, देखो सबसे पहले तो आपको इस तरीके से भाई इस रस्सी के अंदर अपनी फिंगर डालनी है, उसके बाद इसको कस के पकड़ना है जैसे लट्टू पकड़ते हो। फिर जैसे आप नीचे फेंकोगे तो ये ऑटोमेटिक खुलता हुआ नीचे जाएगा, और जैसे आप ऊपर की तरफ खींचते हो इस तरीके से, तो ये वापस से बंद कर आपके फिंगर में आता है। और ये भाई इसके अंदर लाइट जलने लगती है, वो लाइट सिर्फ पता किस जगह जलेंगी, ये जो टायर वाली जो जगह देख रहे हो ना व्हाइट व्हाइट सी, यहाँ से इसके अंदर लाइट निकलते हैं, वो भी दो तरह की, इधर जलती है रेड कलर की और नीचे जलती है ब्लू कलर की, जो काफी ज्यादा इसको तगड़ा बनाती है। तो अगर आपको ये प्लास्टिक वाला योयो पसंद आया हो जो कि एलईडी वाला है, तो आपको लिखना अपना नाम, उसके आगे वॉल लिख देना, उसके आगे आपको लिखना है एलईडी योयो, ताकि ये छोटा सा प्यारा सा योयो आपको गिव अवे हो सके। तो इसको रखते हैं इसकी जगह पे। और अब बारी आने वाले फाइनली हमारे डंपर की, जिसके अंदर रेता डाल सकते हो, बदरपुर डाल सकते हो, ईंट डाल सकते हो। और इसके अंदर भाई आगे से ना जैसे यहां से बटन दबाएगा ड्राइवर, तो ये ऑटोमेटिक इस तरीके से उठ जाता है और ये फटाफट से ऐसे खुलता है और सारा का सारा रेता ईंटे बदरपुर सब नीचे गिर जाता है। और सबसे अच्छी चीज की चीज क्या है कि ये भाई दो पहिए या चार पहिए वाला नहीं है, पहली बार आपके कहने पे लेके आए हम लोग 6 टायर वाला। और आपने तो सिर्फ 6 टायर बोले थे, लेकिन आज हम 7 टायर लेके आए हैं। वो पता कैसे, देखो 6 तो टायर यही होगा जिनके दम पे ये आगे पीछे जाएगा, और 7वां टायर ये इसके नीचे लगा हुआ है, जो कि रोटेटिंग व्हील जो 360 डिग्री इसको घुमा के स्टंट करेगा। और एक सरप्राइज हो रहा है आपके लिए, आपको पता चल गया होगा ना कि ये है एक ट्रांसफॉर्मर वाला ट्रक। जी हाँ, ये एक ट्रांसफॉर्मर वाला ट्रक है जिसके अंदर एलईडी लाइट्स भी है। तो भाई कूट कूट के ना इसके अंदर मजे भरे हुए। और इसका प्लास्टिक देखो कितना ज्यादा पक्का है, तो ये टूटने वाला भी नहीं है। और पता यहाँ पे भी एक पंच बना हुआ है, क्योंकि यहाँ से निकलता है इसका सर, जिससे ये रोबोट बन जाएगा। तो काफी ज्यादा मजा आने वाला और बहुत तगड़ा मजा आएगा। तो यहाँ पे लगेंगी 3 AA बैटरी, 1, 2, 3। और इसके बाद इसको लॉक करने के बाद ये एक बटन देख रहे हो ना, इसको बस दबा देना, ये हो जाएगा ऑन। ये देखो भाई, ये ट्रांसफॉर्मर बोल के रोल ऑन होता है और ये धीरे धीरे उठना शुरू हो जाएगा। तो ये इस तरीके से ना भाई देखो खड़ा हो जाता है, और अब ये बन जाएगा पूरा ट्रांसफॉर्मर। ये इसकी टांगे देखो, इसके हाथ, और ये इधर से गोले चलाता है, दू 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 दू। और ये भाई इसका ट्रांसफॉर्मर वाला फेस देखो कितना तगड़ा लग रहा है ना यार, ऐसा लग रहा है कि मेटल का है, लेकिन ये पेंट कर रखा है भाई। एक सेकंड इसको मैं बंद करता हूँ, देखो एलईडी लाइट वगैरह जल रही है। भाई ये एकदम असली वाले ट्रक की तरह उठ गया है, और यहाँ से देख रहे हो मतलब रेता वगैरह गिरा सकते हैं, बदरपुर गिरा सकते हैं। भाई साहब क्या ही लग रहा है यार ये भाई, मुझको ये बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है, लेकिन इसके जो है ना भाई लाइव डेमो जब तक नहीं लेंगे ना, तो भाई मुझे चैन नहीं आने वाला। तो आज मेरे साथ एक लाइव डेमो पे, तो आज मैं अब आप लोगों को दिखाने वाला हूँ एक लाजवाब चीज। और ये देखो ये डंपर जो है येलो कलर का, एकदम ब्रांड न्यू शोरूम से निकला है, जो कि ट्रांसफॉर्मर वाला एक ट्रक है। और इसके अंदर पता हमने रेता रखा हुआ और बदरपुर रखा हुआ, जिसको कि ना हम गिराने वाले हैं। इसकी एलईडी लाइट्स वगैरह बहुत गजब की, और ये 7 व्हील के ऊपर चल रहा है और 360 डिग्री घूम घूम के जो ये स्टंट करता ना, ओए सोने पे सुहागा। ये देखो कभी भाई ये अंधेरे में भी इसकी लाइट जलती, तो अगर ये रात में भी आप इससे खेलोगे तो हमें ना ये गुम होने का डर नहीं लगेगा, क्योंकि ये खोएगा ही नहीं क्योंकि इसके अंदर एलईडी लाइट जलती है। और ये भाई चलते चलते ना जैसे इसको पता लगता है दीवार से टक्कर खाने वाला है, तो ये ऑटोमेटिक ना अपनी डायरेक्शन बदल लेता है, दिशा बदल देता है, क्योंकि ना इसको पता है कि इसके अंदर सेंसर लगे हुए हैं, इसीलिए तो ये इतना क्यूट है। ये देखो भाई कैसे चल रहा है, अब इसकी टक्कर होने वाली है तो ऑटोमेटिक राइट में हो जाएगा भाई बहुत ही ज्यादा वाला स्मार्ट एकदम ट्रक है ये। और ये 2-in-1 है, यानी कि रोबोट भी बन जाता है, ट्रांसफॉर्मर बन जाता है, फिर ये ट्रक बन जाता है, और ये सबको रेता भी दे के आ जाता है। सो क्यूट, ओ माय गॉड भाई जब ये बोलते हैं ना ट्रांसफॉर्मर, तो बहुत प्यारा लगता है। ट्रांसफॉर्मर बोलते ही ना ये नीचे की तरफ आ जाता है इस तरीके से, और ये भाई गोलियां चलाता है दू 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 करके। और भाई ये जब बंद हो जाता है ना, तो पता भी नहीं चलता कि ये एक सेकंड पहले एक रोबोट में बदल गया था या फिर एक ट्रांसफॉर्मर की तरह था। अब आप इधर की तरफ से देखो, मेरे को बताओ कि यार ये आपको कहीं से लग रहा है कि ये ट्रांसफॉर्मर होगा या रोबोट होगा? नहीं ना, सेम ऐसा लग रहा है कि भाई ये कोई डंपर ही है, यानी कि ये कोई एक आरसी ट्रक ही है। बट लेकिन भाई इसके अंदर 7 पहिए हैं यार, 7 व्हील, 4 वाला नहीं है, 6 वाला, 7 वाला है, जिसके दम पे ये रोटेटिंग व्हील जब चलता है तो भाई साहब इसके दम पे ये गोल गोल घूम के 360 डिग्री वाले स्टंट करता है, और जो इसकी लाइट जलती है एलईडी लाइट, ओए होए, वो इसको सोने पे सुहागा बनाती है। तो ये काफी बड़ा वाला भी था। तो अगर आपको ये पसंद आया तो आपको लिखना अपना नाम,
उसके आगे वाव लिख देना, और ये अंधेरे में इतना अच्छा चलता है ना मैं क्या ही बताऊं। तो आपको लिखना अपना नाम, उसके आगे वाव लिख देना, और उसके आगे आपको लिखना है आरसी ट्रक, ताकि ये वाला भाई आपको रोबोट ट्रक गिव अवे हो सके। अगर आरसी ट्रक नहीं लिखना तो भाई रोबोट ट्रक लिख देना, ताकि मुझे पता रहे कि इसी वाले ट्रक की बात हो रही थी। तो इसको रखते इसकी जगह पे। अबे यार इस वाले योयो को कैसे भूल गया मैं, ये देखो भाई इस पे स्पीड रिवॉल्विंग लिखा हुआ है, और ये एक सुपर योयो है क्योंकि ये छोटा वाला नहीं है। छोटे वाले के अंदर भले एलईडी लाइट हो लेकिन स्पीड इसी के पास है, क्योंकि ये बना हुआ है भाई प्रॉपर मेटल का है ना, तो मेटल की तो भाई आवाज आपको पता ही है। और इसके अंदर ही भाई अच्छी वाली रोप दे रखी है नियॉन कलर की, इस तरीके से लट्टू की तरह इसको टोटल अच्छे तरीके से कस देना, और उसके बाद ऐसे फेंकना नीचे और ऐसे ऊपर खींचोगे तो ये ऑटोमेटिक वापस आता है। देखो यार इसको नीचे करने के बाद भी ना ये देखो गिर नहीं रहा जल्दी से, तो यानी कि इसकी ना बाइक ग्रिप वगैरह बहुत अच्छी होने वाली है। अगर आपको ये भी पसंद आया तो आप लिखना अपना नाम, उसके आगे योयो लिख देना, और हाँ इसके आगे मेटल योयो लिखना, ताकि मेरे को पता रहे कि भाई अपने नाम के आगे वाव लिखने के बाद आपने मेटल योयो लिखा, यानी कि ये वाला देना। और अगर एलईडी योयो लिखोगे तो वो वाला योयो आएगा। तो इसको रखते इसकी जगह पे। तो ये आ चुका है हमारे हाथ में छोटा भीम वाला गेम, और ये हमारे छोटे भीम वाली लुंगी, और ये हमारे छोटा भीम की तरफ से आने वाला पॉप स्टेशन वाला गेम, जिसको आप लोगों ने काफी ज्यादा खेला होगा। और ये देखो यहाँ क्या लिखा है, ब्रेन ट्रेनिंग ब्रिक गेम, यानी कि जो इसके अंदर ब्रिक गेम है ना ईंटें बनाने वाली, उससे ना आपके ब्रेन की ट्रेनिंग होती है और आपका भाई दिमाग और भी अच्छे से चलने लगता है। इसके अंदर म्यूजिक भी चलता है, और इसका प्रॉपर जो थीम है वो सारा का सारा होने वाला है छोटे भीम के ऊपर। तो ये देख सकते हो भाई कितनी ज्यादा प्यारी लगती है ना ये, और यहाँ से ना आप पता किचन डाल सकते हो, जैसे वो कैमरे वाला हो गया या फिर वो गोकू वाला हो गया, इन वाले छल्ले को जो है इसके अंदर डाल के भाई अपनी पॉकेट के अंदर बड़े आराम से कैरी कर सकते हो ऐसे हिलाते हुए। और जब आपका भाई फ्री टाइम हो लंच हो तो इसको इस तरीके से घुमाना स्टाइल में अपने हाथ में रखना, और उसके बाद यहाँ पर स्टार्ट का बटन दे रखा है, इसको स्टार्ट करोगे तो ये गेम चालू हो जाएगी। लेकिन उससे पहले भाई इसके अंदर हमें डालनी भी तो है बैटरी, तो दो डबल बैटरी लगेगी, और यहाँ से ना म्यूजिक भी आता पता है। तो जैसी बैटरी हम इसके अंदर लगाते हैं वैसे इसके अंदर से म्यूजिक शुरू हो जाता है। तो भाई इसका ना अगर आप चाहो तो साउंड भी ऑफ कर सकते हो, जैसे मैंने ये साउंड का बटन दबा दिया अब इसके अंदर कोई म्यूजिक नहीं बजेगा, लेकिन जब आप खेलोगे तो साउंड ऑन करके खेलना। उसके बाद ये जो बटन है भाई इधर से आप खेलोगे, और ये वाले जो बटन देखो इससे आप भाई चूज करोगे अपनी गेम, जैसे कि कार रेस या आप ब्रिक गेम यूज कर सकते हो। तो मैं यूज करने वाला भाई कार गेम, तो इसको दबाने के बाद जैसे ही मैं स्टार्ट करूंगा तो मेरी गेम स्टार्ट हो जाएगी। ये देखो भाई बस इस तरीके से जो है इसके अंदर हमें ले लेके भागना है। ये गलती से भाई पी शूटर लग गई है मेरे से, तो भाई हमें जो है ना ये बचाना है। तो मैं तो यार मेरे को गुस्सा आ रही है, इसको मैं बंद कर रहा हूँ यार, मेरे से अब खेली नहीं जा रही, मेरे को पता नहीं क्या हो गया, मैं भूल गया हूँ या मेरे से अब स्कोर नहीं हो पाता। अगर आप लोगों को ये लगता है कि आपको मुझसे ज्यादा अच्छे तरीके से आता है ये गेम खेलनी, तो आपको भाई चैलेंज एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो आपको लिखना अपना नाम, अपने नाम के आगे लिख देना वाव, उसके आगे आपको लिखना छोटा भीम गेम चैलेंज एक्सेप्टेड, ताकि ये छोटे भीम की पॉप स्टेशन वाली गेम आपको गिव अवे हो सके। तो इसको रखते हैं इसकी जगह पे। तो अब बारी आती है 15 लोगों को शॉर्ट आउट देने की। तो ये वो 15 नाम, अरुण, रौनित, रेयान, शुभम, सोनी, अनिकेत, शुक्ला, टोनी, सारिका, जेडे, ऋषभ, सानवी, यश, अजय, निशांत, ईशान शुक्ला, राघव और आयुष। आज इन 15 में से किन्हीं एक को नहीं, दो को नहीं, बल्कि मिलने वाले 3 लोगों को सरप्राइजिंग गिव अवे, वो भी दो। सबसे पहला भाई यूनिकॉर्न की तरफ से आने वाले जंबो ज्योमेट्री बॉक्स, जिसके अंदर ये भाई दोनों के दोनों डिटैचेबल है, यानी इसको आप बाहर निकाल कर ना इसको एक पर्स की तरह भी बना सकते हो, और ये बहुत जंबो है। देखो भाई साइज देख सकते हो कितना ज्यादा बड़ा, और ये ऑफिशियली यूनिकॉर्न की तरफ से आता है, जो यूनिकॉर्न के फैन है। और दूसरे भाई एक्सट्रीम ड्रिफ्ट कार, ये एक आरसी ड्रिफ्ट कार है, जिसको कि भाई आरसी स्टंट कार के नाम से भी जानते हो, ये 2.4 गीगाहर्ट्ज़ के रिमोट कंट्रोल के साथ आती है। तो आज वाक्य में होने वाली किन्हीं 3 लोगों की बहुत ही ज्यादा बल्ले बल्ले। और आज अब बारी आने वाली है हैप्पी बर्थडे शॉट आउट की, और वो हैप्पी बर्थडे शॉट आउट जाता है अरुण को। तो हैप्पी बर्थडे टू यू अरुण, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आपको मिलता है इनमें से कुछ भी 2 चीजें, जो आपको चाहिए हो आप नाम लिख देना अपना, और उसके आगे वॉल लिख के आपको लिखना इनकी 2 चीजें, ताकि आपको जो है बर्थडे का आपको सरप्राइज मिल सके। तो ये था भाई साहब आज का काफी ज्यादा ताबड़तोड़ अल्टीमेट कलेक्शन, जिसमें कि भाई साहब एक इलेक्ट्रिक पैन से लेकर के एक आरसी ट्रक था, साथ में स्पेस गन से लेके भाई डांसिंग फिश से लेके बबल मशीन गन, आरसी कार, 144 पीस का आर्ट किट सेट, और ना जाने बीटीएस तक की जंबो ज्योमेट्री बॉक्स। भाई अगर आप लोगों को आज का कलेक्शन काफी ज्यादा पसंद आया तो भाई करें ज्यादा से ज्यादा लाइक, करें इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर, और अगर इस पर भी 500 से ज्यादा लाइक और कमेंट्स हो जाते हैं तो मिलने वाला ये प्रॉपर पूरा का पूरा कलेक्शन। तो भाई अगर अभी तक आप लोग हमारे चैनल पर नए तो चैनल के सब्सक्राइब बाजू में दिए बेल आइकन, ताकि आने वाले जितने भी हमारे लेटेस्ट वीडियोस हैं आप लोग सबसे पहले देख पाए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।